हाँ ये क्या फील हो रहा है आपको, कलर का व्यू बहुत अच्छा है, कलर का आर्ट है, लेकिन भाई ये कलर का आर्ट नहीं है, ये आप जो इस टाइम ना शेखों के पास घूम गए, शेखों के पास कश्मीर आ गए जी, कश्मीर आ गए, कश्मीर जो है दुबई का कश्मीर है, अब इधर चल रहे हैं काफी हाइट पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज एक और नई सुबह शारजा के साथ, और बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं जी फरफकान, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, जैसे नॉर्दर्न एरियाज होते हैं, लेकिन वहाँ पे यहाँ का नॉर्दर्न एरियाज कुछ ऐसा कि यहाँ पे गर्मी होती है, अच्छा दिन ही होती, मतलब लाइक फीलिंग हॉट ही होता है। तो यहाँ से 2-2.5 घंटे की ड्राइव है। अभी हम सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे रसूल खैमा, वहाँ पे मलक साहब का आज जो है वो फाइनल टेस्ट की जो है वो क्लास थी, उनको पिक करना है। 1.5 घंटे में अब इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे, उनको पिक करेंगे। और फरफकान एक विजिट है हमारा अपनी IT कंपनी के साथ, वहाँ पे जा रहे हैं बस, अरबाब भी पिक करने आ रहे हैं। तो नाश्ता भी नहीं मैंने किया, मैंने कहा चलें जब आएंगे तो फिर चाय चले लेंगे, बिस्किट मैंने पकड़ लिए थे ठीक है, तो गुड हो गया जी। वो ये बड़े मज़े के बिस्किट होते हैं यहाँ पे क्रीमी, बस वो आते हैं तो निकलते हैं, आप गर्मी को इन्जॉय करें तब तक। और ये देखें यहाँ की सुबह सुबह की जो ट्रैफिक है कितनी स्मूथ है। बस अभी ये बाप साहब आने वाले हैं और फिर जी ये उनके साथ निकलना है, सिंह पे वेट कर रहा हूँ, अभी 1-2 मिनट में आ जाएंगे। गर्मी तो खैर इंतहा की है बहुत ज़्यादा है जी, और बाप साहब आ गए हैं, वो मुझे गाड़ी नज़र आ गई है ब्लैक कलर की, बस अभी निकलते हैं। बस निकल रहे हैं जी अभी यहाँ से, नाश्ते से रस्ते में लेंगे, ऑलरेडी लेट काफ़ी हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत लेट कर दिया भी आपने, किसने आपने क्या मतलब आपने लेट किससे, लेट नहीं मलिक साहब कहते हैं 10 बजे तक फ्री हो जाएंगे, 10 3 बजे अरे घंटे में पहुँच जाएंगे, आप पहुँचा सकते हैं सर, आप 15 मिनट में पहुँचा देंगे, घंटे में पहुँच जाएंगे, बस ठीक है। नाश्ता भी है, नाश्ता करने तो जा रहे हैं, नाश्ता करने जा रहे हैं, चाय लगते हैं फिर चलते हैं, उसके बाद आंखें भी खुलेंगी। मलिक साहब बता दें नाश्ता करें। A few moments later, आप फ्यूडल वाले में चाय लेके आता हूँ। बस ये स्टोर है, यहाँ से देखते हैं चाय शाय मिल जाए तो। हाँ बिल्कुल, वो भी अंकल चाय के लिए आए हैं, चाय मिल जाएगी। हाँ जी कार्डमम टी मैंने ली थी, लेकिन कार्डमम टी भी लेनी और वही मैं पीता होता हूँ, तो कहीं और से लेते हैं फिर चलते हैं। भाई चाय हमें मिली नहीं है, कार्डमम भी नहीं, दूध से भी नहीं, मसालों वाली चाय थी, मैंने कहा पता नहीं भाई तड़के तुड़के वाली चाय पी गए, सुबह सुबह वैसी तबीयत आजाद हो जानी है। तो बस अभी हम निकले हैं जी यहाँ से शाहजहाँ से रसूल खैमा के लिए, मलिक साहब वेट कर रहे हैं, क्लास व्लास ले लिए, कॉल शॉल कर रहे हैं, आपको पता है कि जब मलिक साहब फ्री हो जाए तो फिर कॉल शॉल पे वो जो है ना एक कॉल के बाद बस लगातार कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, फिर वो नहीं रुकते। बात तो सही है, चाय शाय का कोई बंदोबस्त कराएं सर आप, कोई चाय का बंदोबस्त करा दे रहे क्योंकि मलिक साहब कर रहे हुए, मलिक साहब पिक करते ही आपको चाय ले देंगे। अच्छा उसको पिक करके चाय लेनी है, सिर्फ 15-20 मिनट लगने हैं। अच्छा चलें, तो और वो पता नहीं वहाँ पे जगह किस तरह की है, खड़े होने की है। हाँ नहीं सही है सही है, ये इलाका भी ऐसा। आज हम फिर कहाँ जा रहे हैं, आपने बताया था हम कहीं जा रहे हैं, आज आपको फिर यूएई के नॉर्दर्न एरिया जो है, इसका मतलब है फिर मैं कोई जैकेट शैकेट नहीं रखी। हाँ नहीं, यहाँ की नॉर्दर्न एरिया के लिए जैकेट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा यहाँ उसके बगैर भी होके आया जा सकता है। गुड हो गया जी, चले बस ठीक है फिर निकलते हैं। ये जो रास्ता जा रही है अजमान को जा रहा है, शाहजहाँ से हम निकले हैं, अजमान क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद फिर आगे उम्मुलक्वीन आ जाएगा, उम्मुलक्वीन क्रॉस करेंगे तो रसूल खैमा आएगा। तो इस तरह से हमने शारजा, अजमान, उम्मुलक्वीन और रसूल खैमा चार स्टेट्स कवर कर लेंगे। रसूल खैमा से फिर हम जाएंगे जो फरफकान की तरफ, वो आपको दिखाएंगे नॉर्दर्न एरिया जो फरफकान में, वो जो उधर से जाती है एक रोड दिब्बा, दिब्बा से लेकर फरफकान तक, साथ में सी साइड है और साथ में पहाड़ है। कच्चे अच्छे अच्छे तो पहले रखे भी नहीं वहाँ पे, नाना पड़ गया तो फिर कुछ मौसम नहीं है, कच्चे वाला मौसम नहीं है ठीक है, यहाँ पे पहाड़ जरूर है लेकिन ग्रीनरी नहीं है उस तरह से।
40 minutes later. हाँ जी, तो बस मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, मतलब सबको पिक करने ही। ये सामने ही उनका जो है ट्रेनिंग स्कूल है, सर्विस सेंटर है, या देखते हैं यहाँ पे। अभी उनको कॉल करते हैं कि आज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ से आगे फुल फुकान निकलते हैं। वो सामने आ रहे हैं बिल्कुल साहब, ड्राइविंग सेंटर। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे? बस ठीक ठाक। मतलब आपको ले लिया जी, आप लेट तो नहीं हो गए? ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा भाई आपको? आप लेट हो गए। हम लेट तो हो ही हुए हैं, मतलब मेरा मकसद था कहने का, पूछने का कि आपको ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा भाई? करना भी पड़ा तो भाई मजबूरी करना पड़ना था आपको। गर्मी में कहाँ जाना था आपने? बिल्कुल बात तो सही है। आपकी नींद नहीं पूरी, आपकी आंखों से दाग रहा है मुझे यार। बस ऐसे ही रात को काफी लेट ही। आप रात को टाइम से सोया करें ना, आप निकल जाते हैं बस कहीं यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे। मरजान आइलैंड चले जाते हैं आप जी। जी, वहाँ दिल लगा हुआ है आपका रसल खेमा में। मलिक साहब की ना असल वजह यही है, मलिक साहब की असल वजह भी यही है, बस निकलते यहाँ से आगे चलते। 10 minutes later. फुकान के रस्ते में हमारे थे, और ये नैना टी है, और मलिक साहब कह रहे हैं बड़ी मशहूर है। कौन सी चाय लेंगे बताएं मुझे? मैं तो नहीं पीऊंगा। कौन सी लेके आऊं बताएं? कड़क इनकी एक ही होती है, कड़क ही है बस, इसको इधर ही दे। चाय आगे दिखाए, कड़क ही है। वाह, ये दिखाई जबरदस्त। वो उसके बबल्स ही बता रहे हैं, गर्म बड़ी है। और इसको अभी भी देख लेते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। वो एक होता है अच्छा, कड़क केक जबरदस्त है, कड़क चाय बहुत मजे की। कड़क केक भी दो दिन गर्म इतनी है कि छाले ना भांजे, थोड़ा ठंडी करके पीते हैं। ये वाला रसूल साहब से अब फुकान जा रहे हैं, और राइट साइड पे जो है ना, ये यहाँ का रसूल साहब एयरपोर्ट है। अभी आपको चेक करते हुए नजर आए थे, जो आशाज खड़े हो सामने, आज खड़े हैं आपके तकरीबन 20-25 साल से माशाल्लाह खड़े हुए हैं। वो खड़े रहते हैं, खड़े ही रहते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, पहुंचने वाले हैं। अंदर तो बड़ा जबरदस्त चिल माहौल है, महसूस ही नहीं हो रहा कि बड़ी गर्मी है, लेकिन इसको अगर हम हाथ लगे इसी का तो ठीक ठाक तक 44 या 45 टेम्परेचर है। जो गाड़ियां पहाड़ के ऊपर खड़ी है, देखते हैं तो गाड़ियों को फोकस करें, इनको क्या कहते हैं? ये बस वैसी दिन गई कि आप आए यहाँ पे टेस्ट ड्राइव करें, कैसे गाड़ी जो है वो ऊपर जो है चढ़ती है जाके पहाड़ों पर। जी 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 बिल्कुल, फोकस कर लिए भाई, फोकस कर लिए। अभी आएगा यहाँ पर मसाफी, जिसको आप पानी पीते हैं ना जी जी, मसाफी की फैक्ट्री आएगी यहाँ पर, मसाफी आएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर हम जाएंगे वादिया शीस। ठीक हो गया, क्योंकि आप बिल्कुल वादियों वाले लग रहे हैं आज। अच्छा अच्छा, तो आपको किसी वादी में छोड़ देना है। फ्रेश कर लिए भाई। जब मसाफी पहुंच गए, यहाँ पे दुबई में जो बड़ा मशहूर पानी है मसाफी के नाम से, और ये पाकिस्तान में भी है, मसाफी पाकिस्तान में भी चलते हैं। अभी जो है हमने यहाँ से फुकान के लिए राइट हो जाना, अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो वहाँ पे उसकी फैक्ट्री भी आएगी, जहाँ पे ये सारी पैकिंग शेकिंग और सारा पानी का निजाम चलता है। दुबई भी और मसाफी दोनों की एक्चुअली मसाफी फैक्ट्री ही फैक्ट्री है, उन्हीं की प्रोडक्ट है मसाफी। हाँ सही सही, और माय दुबई भी, तो दोनों का प्रोडक्शन यूनिट यहीं पर है। ये जो राइट पे अभी आएगा हॉस्पिटल का मसाफी का, ये वाला क्या फील हो रहा है आपको? कलर कार्ड लेकिन वही कलर कार्ड नहीं है ये, आप जो इस टाइम ना यूएई शेखों के पास घूम गए, शेखों के पास। ये शारजा से नहीं बनाई अभी इन्होंने, शारजा से आती है, शारजा से। बड़ी जबरदस्त रोड है, व्यू बहुत अच्छा है। जैसे वो हमारी नहीं बनी हुई चाहते हुए यार, वो रोड नहीं है वो, जब चाहते हैं चाइना बॉर्डर वाली साइड पे। हाँ बिल्कुल सेम ऐसी है, जो उसका दूर रोड है वो सारी है बिल्कुल ऐसी। वो उधर से निकले ना, वो उधर से फताबाद लेक से निकले, उंझा से निकले वो पासोकोन वाली, पासोकोन है बिल्कुल बिल्कुल सेम वैसी रोड है। कौन से है और वो सारी बड़ी जबरदस्त रोड है, ये बहुत जबरदस्त बनी हुई है। अब जी रस्ते में एक टनल आ गई है, जैसे कि वही उधर जाते हुए आती है, पांच टनल जाएंगे फुल फकान। जहाज जो है ना वो टेक ऑफ के लिए रेडी हो गए।
सेम उसी तरह जिस तरह से वो स्कर्दू है और वो हाईवे के ऊपर है। ये शीश में बच्चों का पार्क शार्क बना हुआ बड़ा जबरदस्त। अभी तो खैर यहाँ पे कोई चीज नहीं है क्योंकि तो गर्मी बड़ी है, तो सर्दियों में आपको मतलब साहब जब आप आएंगे ना इधर तो फिर हम इकट्ठे आके यहाँ पे प्लान करेंगे कुछ, यहाँ पे कोई लाइव बारबेक्यू शारबेक्यू आप कराएंगे आप। ठीक है, अभी बस आप फिलहाल ये एरिया एंजॉय करें। वादी में आ गया, वादी शीश जैसे कि स्कर्दू स्कर्दू वाला इलाका वही जो है लग रहा है मुझे तो ज्यादा। बड़ा जबरदस्त सीन आ रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। जब बारिश होती होगी तो कितना जबरदस्त होता होगा, बहुत मजे बहुत मजे लगता है। सारे पत्ते शत्ते जो है धुल जाते हैं और ज्यादा गर्दी जो है वो नजर आती है। गर्मी इंतहा की शदीद है, बाप भाई गए हुए हैं किसी मीटिंग में, अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं तो फिर निकलते हैं। बहुत शदीद गर्मी है, अंदाजा लगा सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कितनी गर्मी है। ये जी इसका सनरूफ है और इसको हमने खोला है और हुए 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 इतनी शदीद गर्म ये छाले बन गए हाथ पे। इस वक्त बाप भाई भी बस आ ही गए हैं, नजर तो मुझे आए थे कि वो भी सर्वे कर रहे हैं अभी बस आ गए, तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, आगे देखते हैं मजीद आगे क्या प्लान है, कहाँ पे हम चलते हैं। One hour later. जी हम अब उधर से कहाँ से निकल गए, खुरफकान से निकले हैं, ओमान आ गए। मतलब छोटी सी जगह ये ओमान में आती है, अब अच्छी खासी ग्रीनरी है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। वो वैसे एक फिश पूछी थी वो जो सिमरहाले फ्लैग भी ओमान का होगा शायद। हाँ अभी चेक करते हैं, ये ओमानी शॉप्स भी नजर आएंगे आपको यहाँ पर ना, फार्मेसी वगैरह है। ये फ्लैग क्या है ना, ये ओमानी कार्स नजर आएंगे आपको, देखें ये ओमान की कार्स है, ओमान की ओमान ओमान के लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा मतलब म्यूजियम है, ये रोड बिल्कुल एक कहते तो बॉर्डर है लेकिन ब्लैक खत्म हो जाती है रोड स्ट्रेट जाके। सर्दियों में ड्राइव के लिए बड़ी मजे की, बंदा बाप के साथ हो सब बताए तो हमें क्या वीजा की जरूरत है, हमें किसने पूछना है बाप के साथ, मतलब उन्होंने पूछ के भाई ये आप किधर पे रहे हैं आपकी संतनत पे हम आ गए। बिल्कुल मजी न थिकल गया ना बंदे शंदे ना आ गए जी, बिल्कुल वही फील आती है जैसे कि हम पाकिस्तान में पे रहे हैं भाई। दोस्तों ने सब ने कमेंट करके हमें बताना है तो ये जगह अच्छी लगी है, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पर सर्दियों में तो जरूर आना चाहिए। सर्दियों में इंशाल्लाह आएंगे, मतलब साहब वापस आते हैं पाकिस्तान से एक गेड़ा लगा के तो फिर आएंगे हम, तो यहाँ पे इनको अपने हाथ से बारबेक्यू कराएंगे मलाई पोटी वाला। ठीक है ये देखें जबरदस्त जैसे बिल्कुल सवात वाला एरिया आ गया, लुलु सर झील आ गई है, बाबू सर से उतरते साथ ही जो आती है। कश्मीर आ गए जी, जी कश्मीर आ गए, कश्मीर जो है दुबई का कश्मीर है, अब इधर चल रहे हैं काफी हाइट पे जा रहे हैं। कितनी हाइट होगी यहाँ पे, अभी 15,000 फुट नहीं कम होगी, कम होगी ना पहाड़ की बात कर रहे हैं। हाँ पहाड़ की वो सबसे ऊपर टॉप की अभी जी आपको एक वो झील टाइप दिखाते हैं जैसे कि लुलु सर झील है वो आती है झील टाइप ही होती है भाई, झील टाइप आ जानी है अभी अभी आ जाती है तो अभी आपको वो भी दिखाते हैं। जो समझ ना आए किसी की समझ से बाहर हो जाए ना, समझ से बाहर जो चीज होती है उसको कहते हैं व्लॉग। ये ओमान का बॉर्डर है राइट साइड, ये ओमान का बॉर्डर है जी राइट साइड पे और इस साइड अली रोड खत्म हो गया, वो झील आएगी, ये वो झील जी जो आ गई है लुलुसर झील जिसको बोलते हैं, लुलुसर झील जिसको यू एक लुलुसर झील बोलते हैं, लुलुसर झील बोलते हैं। खुरफकान से आगे जी एक जगह है जहाँ पे रबी टावर है और ये ऐसे लगे जैसे हम अलराबी टावर और ये ऐसे लगे जैसे हम ना मनाल जा रहे हैं, ये लिखा हुआ जी अलराबी टावर। ये छोटा करना भी आप लो पे कर दिया ना, लो पे कहते हैं ना, बस ठीक है अब हम जा रहे हैं अलराबी टावर। वो टेक ऑफ टेक ऑफ टेक ऑफ
बाल्टी बांध लो भाई, सीट बेल्ट बांध लो। आपको चेक कराते हैं यहाँ से, नहीं बस आप आ नहीं रहे, जबरदस्त व्यू है, क्या बात है आपकी, बहुत ही जबरदस्त व्यू है। नीचे वो सारी वो हाईवे जा रही है और वो सारी पोर्ट है यहाँ पे ना फकान की, और ये नीचे सारे वो खजूरों के दरख्त वगैरह, बहुत जबरदस्त व्यू है यहाँ पे, मजा आ गया जी मतलब साहब, मजा आ गया देख के। ये सामने पोर्ट है, पोर्ट है ना, ये सामने पोर्ट है, श्रीनगर आ गया यहाँ से ना, पोर्ट है राइट साइड के ऊपर, फिश मार्केट है, जा सकते हैं यहाँ पे, देखा है सारा विजिट किया है, बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त व्यू है, ये देखेंगे सर पहाड़ है, नीचे हाईवे है, जबरदस्त किस्म के फूल लगे हुए, बहुत सारे पोर्ट है, और बस अब यहाँ से जो नहीं एक रेस्टोरेंट है यहाँ से हम निकले, यहाँ पे एक जगह पे कह रहे थे फिश बहुत मशहूर है, जो कि बड़ी यहाँ पे टेस्ट वाइज भी बड़ी अच्छी है और मशहूर भी बहुत है, तो बस चलते हैं वहाँ पे, फिर भी आ चेक करा, भाई तो भाई कड़ाकेदार गर्मी है। 20 minutes later. जी यहाँ पे फिश मार्केट पहुँच गए हैं, यहाँ फिश का ऑर्डर देते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा है तो अरबाब भाई कह रहे हैं गाड़ी बंद नहीं करनी, चाहे घंटा लगे चाहे डेढ़ घंटा लगे गाड़ी बंद नहीं करनी, क्योंकि आगे जब बैठना है तो हमने भाई रोस्ट हो जाना है, तो भाई गाड़ी स्टार्ट है तो अब निकल यहाँ से, गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल, चल के बोले ना बस फिश का ऑर्डर देते हैं, और फिर वाओ यहीं पे इतनी जबरदस्त स्मेल आ रही है, बता तो नहीं सकते लेकिन मैं आपको फील करवा रहा हूँ कि बड़ी जबरदस्त स्मेल आ रही है फिश की, तो वो ये सारी जो है फिश मार्केट है सारी, काफी रेस्टोरेंट्स हैं लेकिन जो एक बड़ा कोई फेमस है वहाँ पे हमें लेके जा रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कौन सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये है जी अल यावर रेस्टोरेंट, ये भी है अल सईदैन, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से हमें जो है वो फिश देखने कौन सा कौन सी फिश है, कोफर कोफर मशहूर है यहाँ पे, कोफर तीन जो छोटे कोफर कोफर पहले बड़ी अच्छा ये फिशेज हैं उसमें और कुछ यहाँ पे बड़ी छोटी छोटा अभी मजा आएगा ना भिड़ो, फिश बैल ऑर्डर की थी हमने और वो फ्राई होके आ गई है, और दांत तो स्मेत आ गई है, दांत तो स्मेत आ गई है, तो खाने का मजा आम के बाद जगह है ना, बताऊँ जबरदस्त ये इसका जो बहुत मजे का जो खाने वाला पोर्शन है ना वो आपको यहाँ से मिलेगा, ये क्या चीज है, ये शोरबा होता है, अच्छा इसको ट्राई करना है शोरबे का, चावलों के साथ कहते हैं चावलों के साथ, खाना शाना खा लें फिर नेक्स्ट मुलाकात होती है आपसे, खाने का प्लान है फिर आपको बताएंगे, A few moments later. खाने शाने से फ्री होके हैं, गाड़ी जो है ना चिल स्टार्ट खड़ी है, अभी चेक करते हैं कितनी चिल लाने से बड़ा है, तो भाई बड़ी शदीद गर्मी पड़ी है, सुकून माहौल, रसल खा जाएंगे पेश आ जाए, समुंदर के साथ साथ होते होते जाएंगे ठीक है, बड़ा बेहतरीन व्यू दिखाते हैं, ये रिजॉर्ट है सैंडी रिजॉर्ट एंड बीच है, बड़ा जबरदस्त राइट साइड पे सारे रूम जो वो बने में, और इसके ऊपर जो ट्रैक पे बड़ा जबरदस्त लग रहा है, स्विमिंग पूल्स हैं और रिजॉर्ट है, देखें गाड़ियां भी खड़ी हैं, अगला टनल आ रही है मंजर पे,
जब जो है सामने टनल स्टार्ट होने लगी, बहुत लंबी टनल है ये भाई, छोटी सी टनल बहुत लंबी टनल है। Hours later. हाँ जी बस मलिक साहब को हम यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, आपके जी होते जी भाई जी, हम कल मुलाकात होगी, बस हम यहाँ से जी अब निकल रहे हैं वापस शारजा। 30 minutes later. हाँ जी, तो भाई आज आपको काफी ज्यादा सैर करवाती है दुबई से बाहर की, शारजा से बाहर, अजमान वगैरह की और खुलफुकान की और ओमान तक आज हम गए हैं। तो बहुत ही जबरदस्त सफर था, ऐसे ही था जैसे पाकिस्तान में हम कहीं नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं। उनका व्लॉग को एंड करूंगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं, अपना ख्याल रखें, अल्लाह आप सबको इज्जत दे, अल्लाह हाफिज़।